शुरुआत जो है वो कुछ मीलता चल रही होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से हेलो कमेंट वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतन सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में भी हमें वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जहां पर पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसप्रेशन कैसे होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसप्रेशन ठीक है स्टोमेटा क्या होते हैं गार्ड सेल क्या होती है सब्सिडरी सेल्स क्या होती है एक एक चीज को हमने ध्यान से पढ़ा ठीक है फिर यह भी देखा हमने कि दिन में स्टोमेटा खुलने के लिए कौन सी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती है हमने देखा था कि ह्यूगो वॉन मोहल ने क्या बतलाया सायरे और स्कार्थ ने क्या बतलाया लिंसवार ने क्या बतलाया ना, पढ़ा है ना बेटा तो उसमें हमने तमाम थ्योरीज के बारे में हमने बात की थी और फाइनल कंक्लूजन पर हम ये पहुंचे थे कि जिस थ्योरी को हम मानते हैं जो सबसे एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा वो है एक्टिव पोटेशियम एंड ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी जिसको लेबिट ने दिया था क्लियर क्लियर चलिए आज थोड़ा सा आपको मेरा वॉइस डिस्टर्ब समझ में आएगा क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि मुझे जुकाम हो गया है क्योंकि अभी बॉम्बे में भी क्या है मौसम बदल रहा है जिसके चलते कई बार वायरल हो जाता है तो मुझे भी थोड़ा सा वायरल टाइप का लग रहा है लेकिन मैंने साहब से कहा ना कि आपको पढ़ाने से मेरी सेहत सुधर जाती है कुछ जुनून ही इस कदर है ठीक है तो आगे ठीक है तब भी मैंने कहा कि अभी आप आराम करने का वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है अभी वक्त है केवल संघर्ष करने का ठीक है चलिए तो इतना हम देख चुके थे बेटा पिछली क्लास में कि कैसे स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है तो मैंने आपसे कहा था दिन के समय क्या होता है स्टार्च का परिवर्तन जो है वो किस में होता है मैलिक एसिड में होता है बेटा ठीक है और इसके परिवर्तन के लिए फास्फो इनॉल पायरोट कार्बोक्सोले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एंजाइम दिन के समय चूंकि सीयू का इस्तेमाल क्लोरोप्लास्ट कर चुका होता है फोर्टो में और इसलिए पी एस रहता है तो मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है जिसमें बेटा हाइड्रोजन आयन में और मैलेट नेगेटिव आयन में के फिर हाइड्रोजन आयन को हम जो है वो सब्सिड्री सेल से में भेज देते हैं और बदले में हम पोटेशियम आयन अंदर ले लेते ले हैं और इस काम के लिए हम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का इस्तेमाल करते हैं एंजाइम ए टी एस ए कंज्यूम करता है और पोटेशियम हम जो है वो सब्सिड्री सेल से गार्ड सेल के अंदर ले लेते ले हैं और हाइड्रोजन आयन को हम बाहर भेज देते हैं अब पोटेशियम कहाँ आ गया वो गार्ड सेल के अंदर आ गया पोटेशियम आयन और मैलेट आयन जो है वो मिलकर बनाते हैं पोटेशियम मैलेट जो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है और ये स्टोमेटा को ओपन करने में रोल प्ले करता है क्योंकि ये गार्ड सेल को ट्रांजिट कर देगा जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आएगा तो गार्ड सेल फूल जाएगी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ये एस्टोमेटा के ओपन होने की प्रक्रिया थी इसमें पोटेशियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम आयन को हम एक्टिवली एटीपी खर्च करके अंदर लेके आते हैं ठीक है फिर स्टोमेटा क्लोज होने के लिए हमने देखा था कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा जो गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो एफ्सोसिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा और एफ्सोसिक एसिड क्या करता है बेटा ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को स्टॉप कर देगा ठीक है और ये पोटेशियम आयन को वापस सब्सिडी सेल में भेज देगा और वहां से वापस से हाइड्रोजन आयन को लेके आएगा कहाँ गार्ड सेल के रात का समय होगा शाम का समय होगा रात का समय होगा फोटोसेंथेस रुक चुका होगा सीओ टू होने लगेगा और उससे क्या होगा बेटा पी एच फाइव हो जाएगा एसिडिक पीएच जाएगा

ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं इस आग, इसको तो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं और इस प्रोसेस को हम तो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं कहां देखने मिलता है ये हमको ये हमको फ्लैशी प्लांट्स में मासुर पौधों में सकलेंट प्लांट्स में देखने मिलता है जब मैं बोलता हूं मासोलिद प्लांट पौधा बोलता हूं या फ्लैशी प्लांट सकुलेंट प्लांट बोलता हूं इसका मतलब प्लांट के अंदर वाटर स्टोर होता है म्यूसिलेस के फॉर्म में प्लांट के अंदर वाटर म्यूसिलेस के फॉर्म में स्टोर होता है कभी देखा आपने को काट के अंदर जो है वो जेली जैसा भरा होता है वाटर उसमें ठीक है तो इसके स्टोमेटा रात में खुलते हैं दिन में बंद रहते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन क्रेसोलोसी फैमिली के इसीलिए इसको बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और ऐसे प्लांट को सीएएम प्लांट बोलते हैं क्लियर मतलब ये जो रात में जो स्ट्रुमेंटा खुलते हैं बेटा ये इनको पहली बार क्रैसुलेसी फैमिली में देखा गया था इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और ऐसे प्लांट जिनमें ये देखने मिलता है उनको हम सीएएम प्लांट बोलते हैं क्लियर इसको हम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं सीएम साइकिल कहते हैं और सीएम साइकिल को पहली बार निशिदा और रोहानी ने डिस्कवर किया था ठीक है याद रखना बेटा ये पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन एग्जाम में काम के बेटा एग्जाम में आते हैं पूछे आते हैं ठीक है थीके? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है बेटा क्लियर चलिए फिर अब होता कैसे अब आप बोलोगे कैसे स्टोमेटा रात में खुलता है पहले तो यह बताओ कि रात में कैसे खुलता है? तो देखो बेटा रात में दिन में कभी भी खुल सकता है लेकिन बात यह है आप सीओ टू को हटा रहे थे गार्ड सेल से हटा रहे थे बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस दिन के समय आपने सीओ टू को हटाया फोटोसिंथेसिस करके और पीएच को नॉर्मल किया आपने. तो खुल गया था शुरुआत तो वहीं से हुई थी बात की। अब आपके पास आपको कोई ऐसा खोजना पड़ेगा कि रात में, रात में, में पीएच नॉर्मल रहे रात में सीओ टू जो है वो कार्बोनिक एसिड ना बनाए रात में सीओ टू जो है वो पीएच को नेगेटिव पीएच को जो है फाइव ना करे एसिडिक पीएच को ना करे वो ये काम करना पड़ेगा आपको तो क्या किया ये पाया गया कि इन प्लांट्स में जिनमें ट्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म देखने मिलती है जो सीएम प्लांट होते हैं है, है? है। अब आप बोलोगे सर रात को पीएच सेवन कैसे हो सकता है क्योंकि आप खुद बोले हो कि रात को तो होगा नहीं सिय निकलेगी रेस्परेशन रेस्परेशन में सीओ निकलेगी वाटर से क्रिया करेगी कार्बोनिक एसिड बनेगा अटके और कार्बनिक एसिड डिसोसिएट करेगा पेज को एसिडिक कर देगा अब सोचिए बेटा मान लो हम ऐसा करें कि रात को जो CO2 निकल रही है उसको हम वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर लें और वो ऑर्गेनिक वो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है वो है मैलिक एसिड जो बनने के बाद स्टोमेटा को ओपन करने की एक शुरुआत करेगा वोट के तो क्या हुआ कि दिन के समय, क्या, के समय क्या होता है कि स्टार्स का परिवर्तन एसिड में होता है देखिए

आप जो भी CO2 रेस्परेशन में बन रही थी जो पीएच को परिवर्तन करती थी जो पीएच में चेंज कर रही थी उस CO2 को हमने ऑर्गेनिक एसिड में फिक्स कर एसिड के के का डिसोशन हुआ किस हाइड्रोजन आयन में और मैलेट नेगेटिव आयन आयनमेंट के और इसके बाद आपने हाइड्रोजन आयन को बदल लिया किससे बेटा पोटेशियम आयन से बदल लिया आपने वही मैकेनिज्म हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का इस्तेमाल किया और पोटेशियम आयन को आपने सब्सीड सेल से लिया गार्ड सेल में डाल दिया आपके अब यहां पर पोटेशियम आयन आ गया ये मैलेट आयन से मिलेगा और क्या बन जाएगा बेटा पोटेशियम मैलेट बनेगा जो ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा स्टोमटा तो को ओपन कर देगा आपके मैकेनिज्म को बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा आपके देखो अब यहां पे जो फर्क पड़ा फर्क ये यहां कि जो CO2 जो CO2 रात को pH में परिवर्तन कर रही थी उस CO2 कहां पर सीएम प्लांट में के तो सीएम प्लांट में रात में जितनी भी सीओ टू है वो जो रेस्पिरेशन से बन रही थी सियो टू उसको मैलिक एसिड के रूप में हमने फिक्स किया और बाद में फॉलो किया और चूंकि CO2 कार्बनिक एसिड को नहीं बना पाई तो pH में परिवर्तन नहीं हो पाया तो pH इसका नॉर्मल रहा ठीक तो उप इस है इसको स्कोटो एक्टिव ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा का रात में खुलना है अब क्वेश्चन ये उठता है कि दिन में स्टोमेटा बंद कैसे रहते हैं अब देखो बेटा जिन एरिया में ये प्लांट पाए जाते हैं जहां पर ये प्लांट पाए जाते हैं वहां पर इतनी अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर बड़ी हाईलाइट इंटेंसिटी होती है और उस हाईलाइट इंटेंसिटी में कई केमिकल टूट जाते हैं के? तो जो ऑर्गेनिक एसिड जो भी ऑर्गेनिक एसिड रात भर में रात भर में जितना भी मैलिक एसिड बनाया गया अब देखिए पोटेशियम मेलेड बना और पोटेशियम मैलेट के बनने के बाद क्या हुआ कि स्टोमेटा ओपन हो गया लेकिन रेस्परेशन तो कंटेस्ट चल रहा है तो कई सारा मैलिक एसिड है कई सारा मैलिक एसिड ऐसा भी बनता है कई सारा मैलिक एसिड ऐसा भी बनता है जो केवल स्टोर होता है वो तो 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 चल रात भर में बड़ी मात्रा में तो उस लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है कि एसिड टूटने लगते दिन के समय क्या होता है जो भी एक्यूमेटेड ऑर्गेनिक एसिड है वो टूटने लगते हैं और वापस से जो है वो मैलिक एसिड टूट जाता है और फास्टो टूट रहा है ये डिसोसिएशन नहीं है बेटा ये डिसोसिएशन नहीं है ये ब्रेकडाउन ब्रेक तो दिन के समय ऑर्गेनिक एसिड जो है वो हाईलाइट इंटेंसिटी में टूट जाता है फास्फो फो इन एसिड बन जाता है दोबारा से और सीओ टू जो रात में सीओ टू फिक्स की थी वो रिलीज हो गई क्या अब एक तो सीओ टू रिलीज हो रही है किससे

मैं कहता हूं आप क्या करते हो आप घबराते क्यों जब अपने अपने आप को परिणाम से जोड़ लेते हो कि ये परिणाम होगा मेरा ठीक है तो आप घबराते हो आप परिणाम से मत जोड़िए अपने आप को आप सीखने के लिए पढ़िए आप लर्निंग के लिए पढ़िए आप मजे लेकर पढ़िए आप चीजें आपको आसानी से याद होंगी ठीक है चलिए तो अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन की क्या फैक्टर है जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं एक बात तो क्लियर है दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं एक तो जो प्लांट के अंदर है, ने प्लांट के खुद के अंदर की पत्ती किस तरह की लीफ किस तरह की किस का वो प्लांट फैक्टर हो गए मतलब इंटरनल फैक्टर हो गए दूसरा होता है बाहर के वातावरण से टेंपरेचर वाटर की अवेलेबिलिटी वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ठीक है तो चलिए तो हमने क्या कहा आपसे देखो इतना हम समझते हैं कुछ चीजें क्लियर है कि सी का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है वाटर की अवेलेबिलिटी कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटली जो के ओपनिंग क्लोजिंग में काम करते हैं तो हम एक काम करते हैं कि हम देखते हैं पहले कि जो एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी कारक है वो क्या कंट्रोल करते हैं इसमें ठीक है और ये हमने पिछली क्लास में एनसीआरटी में क्या लिखा वो भी देखा हुआ था हमने थोड़ा सा भी एनसीआरटी से बाहर निकल कर देखेंगे हम कुछ टर्मोलॉजी को हमें समझना होगा यहां पे लाइट के याद रखिएगा ब्लू और रेड लाइट जो है आर वेरी इफेक्टिव

अब लेकिन लाइट का जो इफेक्ट है जो लाइट प्रकाश का जो प्रभाव वो वो है वो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है बेटा। कैसा है इनडायरेक्ट लाइट टेम्परेचर को बढ़ाती है लाइट क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को बढ़ाती है लाइट टेम्परेचर को बढ़ाती है तो ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करती है के। लेकिन जो फैक्टर जो फैक्टर सीधा कनेक्टेड है वो फैक्टर जिसका ट्रांसपिरेशन से सीधा कनेक्शन है वो है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट वेरी वेरी आई एम पी इट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं ठीक है क्यों तो क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल देखा जाए बेटा तो ट्रांसप्रेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि स्टोमेटल चैम्बर्स है जो स्टोबेटा के पास जो लीफ का हिस्सा है वहां से वाटर वेपर्स डिफ्यूज हो रहे हैं बाहर की ओर के और इन दोनों पॉइंट ने एक तो स्टोमेटल चैम्बर है क्योंकि तो मैंने आपसे कहा कि ये देखिए इमेजिन किया हमने कहा ये है इसके अंदर वाटर वेपर्स है बाहर का बाहरी एटमोस्फेयर है तो ये वाटर वेपर्स बाहर की ओर डिफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों पॉइंट जितना अधिक बाहर नमी में कमी होगी जितना अधिक बाहर ह्यूमिडिटी कम होगी जितना ड्राई एटमोस्फेयर होगा उतना वाटर वेपर्स बाहर ज्यादा निकलेगा तो ये होता है वेपर प्रेशर ग्रेडेंट के तो जहां भी वेपर्स प्रेजेंट रहेंगे उनका अपना एक दबाव रहेगा तो मैंने आपसे कहा कि मोर वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन साइड स्टोमेटल चैम्बर स्टोमेटा जो है उसमें उसके नीचे जो लीफ का हिस्सा जहां से वाटर वेपर्स बनके बाहर निकल रहा है चेंबर के अंदर वेपर प्रेशर अधिक रहेगा बाहर के वातावरण की तुलना में इसलिए स्टोमेटा इस से वाटर वेपर्स बाहर निकलेगा और यह अंतर जितना अधिक होगा उतना वाटर वेपर्स बाहर निकलेगा मतलब यह है कि एक बात हम समझ गए कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन

मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल लेट के मुंबई के अंदर मान लीजिए मुंबई के अंदर हमने कहा कि वायुमंडल में 12 परसेंट नमी रहती है ठीक है यानी नॉर्मल कंडीशन के नॉर्मल कंडीशन में हमारे मुंबई के अंदर एटमोस्फेयर में मान लो बारह परसेंट के आसपास नमी रहती है ठीक है लेकिन जब रेनी सीजन होगा बरसात का मौसम होगा तो ये नमी हो गई ट्वेंटी ठीक है तो हमने क्या बोला हमने कहा कि ये जो आठ परसेंट नमी है ये बढ़ गई मतलब रिलेटिवली ह्यूमिडिटी बढ़ गई है रिलेटिवली मतलब हमने कंपेयर किया दो नमी के लेवल के स्केल के रिलेटिव वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है दो बिंदुओं को कंपेयर करना तो मैंने मैंने क्या बोला मैंने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई मतलब नॉर्मली बारह परसेंट से बीस परसेंट हो गई आठ परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ना क्या है बेटा वो दो पॉइंट थे थी और अभी क्या कंडीशन है तो यदि मैं बोलता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गई मतलब गर्मी के दिन है गर्मी के दिन में यह बारह परसेंट घटकी क्या हो गई ये चार परसेंट नमी हो गई मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ठीक है ना एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है पर मैं ले रहा हूं तो मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा कि आज के दिन वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है मतलब नॉर्मल नमी से नमी कम है मैंने बोला आज के दिन वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक है मतलब नॉर्मल जो नमी का लेवल है उससे अधिक है वोट के तो रिलेटिव में हम दो पॉइंट को कंपेयर करते हैं लेकिन मैं बोलता हूं आपसे आज हमारे एटमोसफेयर में थर्टीन परसेंट नमी है कल बोलता हूं आपसे कि आज हमारे एटमोसफेयर में आठ परसेंट नमी है तो मैंने सीधा एक फिगर बोला मैंने तो दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दूट ह्यूमिनिटी की वाई वाई कितनी नमी है उसको बता रहा हूं और उससे हमें इस बात का अंदाजा नहीं लगता जब हम एब्सोल्यूट फिगर बोलते हैं तो उससे हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि नॉर्मल इन्वायरमेंट यहां का कैसा है ठीके? लेकिन जब मैं बोलता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी आठ बढ़ गई है मतलब नॉर्मल से आज नमी ज्यादा है मैं बोलता हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी आठ परसेंट घट गई है मतलब आज नमी नॉर्मल से कम है तो मैं यह अंदाजा लगा पाता हूं कि पहले की कंडीशन नॉर्मल कंडीशन क्या है और उसकी तुलना में आज का वातावरण कैसा है लेकिन मैं बोलता हूं आठ परसेंट नमी है नौ परसेंट नमी है आठ परसेंट ह्यूमिडिटी है नाइन परसेंट ह्यूमिडिटी है तो वो क्या होता है वो एक एप्सुलट फिगर है तो उसे एप्सोलिट ह्यूमिडिटी बोलते हैं ठीक है फिर वट इज दैचुरेशन डेफ सिट इमेजिन करते हैं कि, कि जो हमारा वायुमंडल है हमारा एटमोस्फेर है बोर तो नहीं हो रहे ना कि मैं आपको ज्योग्राफी बता रहा हूं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक सोखता पेपर के ब्लॉटिंग पेपर के समान वो नमी को सोखता है उठ के नमी को अंदर ले लेता है आपने तो इमेजिन करते हैं कि आपके वातावरण में जब जब आपके वातावरण में मान लीजिए चालीस नमी होगी तो रेनफॉल होगा पानी गिरने लगेगा आप कभी गौर करना जब भी कभी पानी गिरने को होता है ना थोड़ा सा अजीब सी गर्मी होती है अजीब सी नमी बढ़ती है और हवा चलना कम हो जाता है नमी बढ़ जाती है और फिर हम बोलते हैं अब पानी गिरने वाला ऐसा लग रहा है हटके फिर पानी गिरने लगता है तो वायुमंडल जो होता है हमारा एटमोसफेयर होता है उसके प्यास में एक कैपेसिटी है कि वो कितनी नमी को ले सकता है अपने अंदर हटके और जो उसका मैक्सिमम लेवल जहां पर वो सैचुरेट सैचुरेट हो सकता है मैक्सिमम लेवल जिस पर वो सैचुरेट हो सकता होता है और फिर रेनफॉल करने लगता है एक लेवल वो होता है ठीक है तो कहने का मतलब यह कि नॉर्मल मान लो मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे मुंबई के अंदर जो नमी है वो 12% परसेंट है और 40% परसेंट नमी होने पर पानी गिरने लगे मैक्सिमम हमारा एटमॉस्फेयर 40% एटमोसरी डेटा तो इमेजिन किया ट्वेल्व परसेंट इज नॉट दी ह्यूमिडिटी प्रेजेंटली इन दुमबई फोर्टी परसेंट इज डेफिसिट है सेचुरेट करने में कितना डेफिसिट हो गया तो फोर्टी माइनस ट्वेल्व आपने कहा सर ट्वेंटी एट परसेंट नमी का सेचुरेशन डेफिसिट है मैंने आपसे बोला आज सेचुरेशन डेफिसिट कम हो गया है मतलब वातावरण में नमी अधिक है तब तो वो अंतर कम हो गया है मैंने बोला आज सेचुएशन डेफिसिट बढ़ गया है मतलब हमारे वायुमंडल की नमी कम हो गई है तो सेचुरेशन का पॉइंट जो है वो वो तो 40 परसेंट था नमी आज 8 परसेंट है अंतर बढ़ के बत्तीस परसेंट हो गया यदि हमारी नमी आज की 20 परसेंट होती तो अंतर घटके ट्वेंटी परसेंट रह जाता आई बात समझ में तो ये टर्म होता है सैचुरशन डेफिसिट आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो हमको सब के एनसीआरटी में तो लिखा नहीं है क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट से ये जुड़ा हुआ है इकोलॉजी से ये जुड़ा हुआ है आपके इकोसिस्टम से ये जुड़ा हुआ है आपके इनवायरमेंट से ये जुड़ा हुआ है सामान्य छठी क्लास की ज्योग्राफी से क्लियर चलिए अब आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक कनेक्शन देखा कि यदि कोई बोलता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेट ऑफ ट्रांसमिशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोजल टू दी वेपर प्रेश रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोजल टू दिल्च डेफिसिट क्लियर चलिए टेम्परेचर की बात करें जितना अधिक तापमान होगा एटमोसफेयर उतना अधिक ड्राई होगा और जितना अधिक एटमोसफेयर ड्राई होगा उतना अधिक ट्रांसमिशन अधिक होगा मोर देशर मोर दी रेट ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है विंड वेलोसिटी की बात करें अब ये बड़ा मजेदार फैक्टर इटके यदि हवा नहीं बह रही है यह एक लीफ है इमेजिन कीजिए एक है. ये एक लीफ लीफ है 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 ठीक और यदि मान लो हवा नहीं बह रही है तो क्या होगा जो वेपर्स जो वेपर्स बाहर निकलेंगे वो यहां पे आसपास इकट्ठे होने लगेंगे वेपर्स वेपर्स जो बाहर निकलेंगे वो इकट्ठे होने लगेंगे तो जो वेपर प्रेशर ग्रेडेड है लीफ के अंदर जो स्टोमेटल है सब स्टोमेटल चैम्बर है वहां पर जो वेपर का प्रेशर है और बाहर का वेपर का प्रेशर है वो अंतर धीमे धीमे कम होने लगेगा जब अंतर कम होने लगेगा तो रेट ऑफ ट्रांसफर कम हो जाएगा तो ये इसका मतलब है, इफ विंड इज़ नॉट ब्लोइंग यदि हवा नहीं चल रही है तो ट्रांसमिशन धीमा हो जाएगा लेकिन तूफान आ गया पेड़ पूरा ऐसा ऐसे हिल रहा है ठीक है अब क्या होगा अब तो वाटर का एसेंट ऑफ में दिक्कत होगी तो भी ट्रांसमिशन कम हो जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है Gently flowing wind, के हवा चल रही है लगातार लगातार हवा चल रही है और वो नमी को हटा रही इस नमी को हटाते हुए, बह, उड़ाते हुए, आगे के के, तो वेपर प्रेशर मेंटेन है और ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा तो जेंटली फ्लोइंग ट्रांसमिशन की दर को बढ़ाता है ठीक है फिर बात करते हैं एटमोसफेर प्रेशर की याद रखिएगा एटमोस्फेर प्रेशर जितना कम होगा रेट ऑफ ट्रांस उतना अधिक होगा क्योंकि वायुमंडली जब आप क्या ऊपर से वेपर्स के बाहर निकलने को अपोज कर रहा है वो, वो तो ऊपर से नीचे लग रहा है और ये वेपर्स से बाहर निकल रहा है तो है तो प्रेशर जो वो कम होगा तो रेट ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊंचे पहाड़ी स्थान है वहां के जो प्लांट इसका मतलब यह हुआ कि ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर जो पौधे होंगे उनका रेट ऑफ ट्रस्ट कम होना चाहिए अधिक होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे एटमोस्फेरिक प्रेशर में कमी आएगी ठीक है तो वहां पर आप बताइए मुझे कि रेट ऑफ बढ़ना चाहिए घटना चाहिए आपने बोला बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी बताया मैंने कि जितना एटमोस्फिर प्रेशर कम होगा उतना रेट ऑफ ट्रस्ट बढ़ेगा लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे नहीं बढ़ेगा एज इट इज रहेगा वो मैदान के बराबर ही रहेगा क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचोगे तो एटमोसफिर प्रेशर जो है वो कम होगा रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगा लेकिन है है कि ये आप, ये problem ये है कि यदि यदि आप आप लेकिन जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचते हो तो temperature में 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 कमी 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 आती 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 है, में आती है, है तापमान तो जो वो rate of transmission को कम करती है इसका मतलब ऊंचाई पर पहुंचने पर एक फैक्टर आपका रेट ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर घटा रहा है दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन एज इट इज रहेगा एग्जाम में पूछा गया है क्लियर चलिए तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर में बात करते हैं दैट इज सीओ टू ठीक है चलिए अब सीओ टू क्या काम करता है देखो बेटा मैंने आपसे बताया कि CO2 जो है इट नेचुरली इट नेचुरली नेचुर एंटी ट्रांसपेरेंट ये नेचुरली एक एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करता है कि यदि सीओ टू जो है वो, वो अधिक मात्रा में होगा तो क्या करेगा वो वो स्टोमेटा में पार्शियल क्लोजर करता है तो सीओ सीओ टू जो होता है उसको यदि आप रात में भी हटा पाएंगे तो ओपन हो जाएगा दिन में भी सियोटू यदि बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज ये देखा भी के। तो सियोटू जो है, वो में एक रूप में काम करता है और ये स्टोमेटा को पार्शियली क्लोज करता है और लास्ट फैक्टर सॉइल वाटर यदि वाटर ही नहीं होगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या मत करेंगे वॉटर होगा तब तो ट्रांसमिशन हो पाएगा तो वॉटर की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर बात करते हैं इंटरनल फैक्टर के, के, के आंतरिक फैक्टर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्लांट की जड़ें जितनी अधिक गहरी होंगी उतना अधिक वाटर को वह वा एब्जॉर्व करेंगी और जितना अधिक वाटर वह वा एब्जॉर्व करेंगी उतना अधिक वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन को शो करेंगी तो रूट शूट रेशो जो होता है हायर रूट शूट रेशो हायर दी रूट शूट रेशो फेवर्स दी ट्रांसपीशन के जितना अधिक रूट अधिक होगा वो ट्रांसपेर को फेवर करेगा फिर leaf area की बात करते हैं यदि एक लीफ यदि आपको एक प्लांट की लीफ आपको ऐसी दिखाई पड़ रही है एक प्लांट की लीफ आपको बड़ी सी दिखाई पड़ रही है ऐसी ठीक है और दूसरे प्लांट की लीफ ऐसी है आपकी ठीक है तो दोनों लीफ को देख के एक बात आप समझ सकते हैं जिस लीफ का एरिया कम है मतलब प्लांट में ये अडॉप्टेशन डेवलप हो गया है कि ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए और वो वाटर के लॉस को रोकने के लिए लीफ का साइज छोटा हो करके तो लीफ एरिया जो होता है जितना अधिक होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना अधिक होगा ठीक है लीफ स्ट्रक्चर की बात करें हम यदि लीफ जो है वो उस लीफ जो है थिक है लीफ थिक है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ

ट्रांसमिशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका था वो था टेंपरेचर मेंटेनेंस मैंने आपसे कहा था ना कि पौधों में कोई मैकेनिज्म नहीं है अपने आपको अपने अपने एंजाइम सिस्टम का को कंट्रोल करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि बाहर तापमान इतना अधिक बढ़ जाए कि उनका एंजाइम सिस्टम फेल कर जाए तो वो इवॉपरेट करते हैं वाटर को बाहर लूज करते हैं और अपने आसपास जो है वो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे कि उनका एंजाइम सिस्टम बच सके तो टेम्परेचर मेंटेनेंस इज द प्राइमरी टास्क के इसके अलावा इससे एसेंट ऑफ सेब होता है वाटर का एसेंट ऑफ से होता है किसी भी ऊंचाई तक वाटर को ऊपर लेके जा सकते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन पुल पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है ये मिनरल के ट्रांसलोकेशन में रोल प्ले करता है ये और जो पौधों के अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको ये रिमूव करने में रोल प्ले करता है क्लियर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन की दर को बेटा घटाते हैं वेरी वेरी आई एम पीट के वेरी वेरी आई एम पीट के एनसीईआरटी में ना हो लेकिन बेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया के एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया के तो एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब होते हैं वे सब्सटेंस जिनको पौधे पर अप्लाई करने पर ट्रांसमिशन की दर घट जाती है इसमें सबसे पॉपुलर होता है नेचुरली नेचुरल फैक्टर होता है स्प्रिंग जो होता है, है।, है, है।, है, नेच्चरल है स्प्रिंग जो, जो, जो होता है ये भी एक जो एस्टाइलिक एसिड एस्ट है स्प्रिंग ये भी जो है पानी में कर दिया, आप स्प्रे कर देंगे प्लांट पर तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाता है सिलिकॉन ऑयल जो है लो विस्कोसिटी वैक्स है ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट के समान काम करते हैं और सीओ टू नेचुरल एंटी ट्रांसपेरेंट होती है जो स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर देती है ठीक है फिर

याद रखिएगा गटेशन गटेशन इज गटेशन इज एविडेंस ऑफ पॉजिटिव रूट प्रेशर गटेशन जो होता है वो पॉजिटिव रूट प्रेशर का प्रमाण होता है गटेशन इज एविडेंस ऑफ पॉजिटिव रूट प्रेशर ठीक है मतलब नीचे से वाटर कोई धका रहा है तो वाटर लीफ से ओपनिंग से बाहर निकल रहा है और जिन ओपनिंग से वाटर बाहर निकलता है उन्हें हम बोलते हैं हाइडोथ्रोड बोलते हैं हाइडोथ्रोड को हम वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं इनको हम वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं बेटा इन्हें हम वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं इन्हें, है, है, इन्हें हम वाटर yeah, पोर भी कहते हैं वाटर पोर भी कहते हैं ठीक है ना क्लियर और वर्धन स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने गटेशन टर्म का पहली बार इस्तेमाल किया था और जिस प्लांट में सबसे अधिक गटेशन देखा जाता के कई लोग मानते हैं कि ये पौधा रो रहा है जो जो ट्राइबल कम्युनिटी ये मानती है कि कोलोकेशिया निम्फेफोलिया ऐसा प्लांट है जो रोता रहता है हटके क्योंकि उसकी लीफ से वाटर बाहर निकलता रहता है उसमें बहुत पॉजिटिव रूट प्रेशर है इसलिए वो गटेशन होता हुआ दिखता रहता है तो लोगों ने क्या अंदाजा लगाया लोगों ने इसको रोने से जोड़ दिया ठीक है लोकेशिया निम्फीफोलिया जो है वो मैक्सिमम गट्टेशन को शो करता है के गटेशन वर्सेस ट्रांसमिशन की हम बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा आपके गटेशन जो है उसमें वाटर का लॉस जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि ट्रांसमिशन में वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में होता है गटेशन में निकला हुआ वाटर जो है वो एक सोल्यूशन होता है वाटर प्लस मिनरल होता है जबकि ट्रांसमिशन में निकला हुआ वाटर प्योर वेपर होता है गटेशन के जिन, जिन पोर से गटेशन होता है वो हमेशा ओपन होते हैं ऑलवेज ओपन पोर होते हैं उनको हम हाइड्रोथोड कहते हैं और जिन पोर से ट्रांसप्रेशन होता है उन्हें हम इंस्टोमेटा कहते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को शो करते हैं ठीक है गटेशन इज द द एविडेंस ऑफ पॉजिटिव रूट प्रेशर जबकि ट्रांसमिशन का रूट प्रेशर से कोई संबंध नहीं होता है ठीक है क्लियर गटेशन तब होगा जब एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और ट्रांसमिशन तब होगा जब पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ठीक है ना ये सारे अंतर दिमाग में रखने हैं आपको और वो आपने जो जो हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं बेटा उससे ये अंतर अपने आप दिमाग में आना चाहिए ठीक है

क्वालिटेटिव मेथड कि केवल इतना मालूम है एक लीफ है है लीफ लीफ एक उसकी अपर सरफेस से अधिक वाटर का लॉस हो रहा है या लोअर सरफेस से अधिक वाटर का लॉस हो रहा है ठीक है केवल कंपेयर करना है अभी हम कोई डेटा नहीं निकाल रहे हैं, नहीं? देखो बेटा क्वांटिटेटिव में आप आंकड़ा निकाल पाएंगे क्वांटिटेटिव में आप एक संख्या पता लगा पाएंगे

क्या देखते हैं प्लांट रखा हुआ धूप में जिस सरफेस से अधिक वाटर निकलेगा तो वाटर निकल के वो कोबाल्ट क्रेट से क्रिया करेगा तो वो कोबाल्ट क्रेड पेपर जो है वो ब्लू से टर्न होकर पिंक हो जाएगा इट टर्न टू पिंक के तो यदि ब्लू से वो पिंक में कन्वर्ट हो गया तो क्या शो करता है देखिए पेपर नेचुरली होता है ब्लू कलर का लेकिन जब वो जो है वॉटर से क्रिया करता है तो वो पिंक हो जाता है तो ये पिंक होना क्या शो करता है ये शो करता है कि वॉटर अधिक निकला है तो इसका तो एक सर्फेस एक हिस्सा जो है वो पिंक नहीं हो पाया ब्लूइश रह गया एक पिंक हो गया जो जो पिंक हो गया मतलब मोर वॉटर वहां से निकला है ठीक है फेक मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं मतलब ये कि अब हम पता लगा रहे हैं कितना वाटर बाहर निकला है एग्जैक्ट फिगर पता लगा रहे हैं के? तो उसके लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं हैं उसे बोलते हैं, बेटा हैं, पोटोमीटर क्या बोलते हैं उसको पोटोमीटर बोलते हैं ठीक है तो याद रखना पोरोमीटर अलग चीज है और पोटोमीटर अधिक चल है पोटोमीटर में हम ये पता लगाते हैं कि कितना वाटर का लॉस हुआ है क्वांटिटी वाइज पता लगाते हैं इसके लिए एक बेसिक फंडा काम करते हैं मैंने आपको बताया था मैंने कहा था कि पौधे जितना वाटर रहता है उसका 98 से लेकर 99 वाटर परसेंट जो है वो ट्रांसपायर देते हैं पौधे पौधे मतलब यह हुआ कि प्लांट्स में एक फंडा क्लियर है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज नियरली इक्वल टू ऑफ वॉटर एप के और यही फंडामेंटल है बिहाइंड पोटोमीटर तो एक्चुअली बेटा क्या होता है पोटोमीटर ये पता लगा लेता है कि कितना वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब किया गया और जितना वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब किया गया वही वाटर बाहर निकाला गया नाइनटी नाइन उसका मान लीजिए ठीक है देखिए है है इक्विपमेंट पोटोमीटर दिस इज पोटोमीटर ठीक है क्या देख रहे हैं आप आप देख रहे हैं इसमें वाटर रखा हुआ है ट्यूब लगा हुआ है के एक प्लांट लगा हुआ है के तो इस प्लांट से जितना इस प्लांट से जितना वाटर बाहर निकलेगा उतना वाटर यहां पे सक किया जाएगा निकलेगा तो ये जो रीडिंग है जो एयर बबल यहां प्रेजेंट है ये मूव करता दिखाई पड़ेगा आप पता लगा लेंगे कितना वाटर बाहर निकला है ठीक है देखिए ना यहाँ पे साफ़ ये अलग हैं कई कई तरह के होते तरह के होते मार्केट में मिल जाएंगे आपको तो आप देख रहे हैं कि इससे साफ़ पता लगा पा रहे हैं कितना वाटर जो है बाहर निकला है और रीडिंग को हम पढ़ पाते हैं के, तो हम एग्जैक्ट वाटर लॉस का पता लगाते हैं और जो वाटर का लॉस हुआ है वही ट्रांसमिशन है क्योंकि 99 वाटर तो हो जाता है।, है ना ठीक है चलिए अब नसीआर क्या लिखता है बेटा अब सीआरटी में वापस तो हम एनसीआर में किए अभी तक हम NCRT के थोड़ा सा थोड़ा बाहर निकले बिटवीन लाइंस ऑफ एनसीआर था उसको हमने क्लियर किया क्योंकि देखो बेटा क्या होता है कि जब तक हम अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में घूमेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम रहेंगे तो कंफर्ट जोन में लेकिन एग्जाम में डिसकंफर्ट की संभावनाएं होती है लेकिन थोड़ा सा हम अपनी ले, लेवल को बढ़ाकर बात करेंगे तो एग्जाम में हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका हम उत्तर ना कर पाए ठीक है चलिए एनसीआर टी का लिखता है ट्रांसमिशन हैज मोर देन वन पर्पज ठीक है इट क्रिएट्स ट्रांसमिशन पुल फॉर एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स ठीक है सप्लाईज वॉटर फॉर फोटोसेंथेसिस ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू दल पार्ट ऑफ द प्लांट ना कूज द लिप सर्फेस समटाइम टेन टू फिफ्टीन डिग्री बाई इवोपरेटिंग कूलिंग मेंटेन देप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाई कीपिंग दर्ज अब देखिए सिंपल सी बात है यह बता रहा है कि ट्रांसमिशन का केवल एक पर्पज नहीं था इसके कई सारे मल्टीपल पर्पज थे इसने क्या किया ट्रांसफर पुल क्रिएट किया जिससे वाटर को एब्सर्व किया गया ट्रांसपोर्ट किया गया ठीक है वाटर सप्लाई हुआ अब देखो यदि वाटर ही ऊपर नहीं आएगा तो लीफ के पास वाटर नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रॉ मेटेरियल क्या है सीओ प्लस वाटर ठीक है तो वाटर सप्लाई कहां से करता है इसी से करना पड़ती है ठीक है फिर मिनरल का ट्रांसमिशन भी वाटर में पानी में घुल के होता है फिर कूलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कम करता है कूलिंग सोचिए आपके इसलिए जहां जंगल लगे होते ना वहां गर्मी कम लगती है इसलिए प्लांटेशन कीजिए अपने आसपास अपने आसपास हरे हरे कई सारे प्लांट्स को लगाइए पौधे जो होते हैं वो टेम्परेचर में कमी करते हैं ठीक है थीके? फिर ये वाटर प्रोवाइड करता है तो सेल्स टर्जिड बन जाती है ठीक है एंड एक्टिवली फोटोसिंथेटिक प्लांट इन बल नीड ऑफ वॉटर के सिंपल सी बात है एक एक्टिवली फोटो synth करने वाले प्लांट को जो है जल की आवश्यक वाटर की आवश्यकता होती है फोटोसेंसाइज इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच आर स्विफ्टली

साइकिल वाटर साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, चलता रहता है लगातार ठीक है फिर द इवोल्यूशन ऑफ सी फोर फूटो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सीओ टू वाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस अब प्रॉब्लम क्या था जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्लांट है उनमें गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि उसको पौधे को अपनी जीवन को बचाने के लिए मैक्सिमम ट्रांसमिशन करना पड़ रहा है ठीक है तो अधिक वाटर को वो बाहर उसको लगा है कि प्रायोरिटी ये है कि पहले लाइफ को बचाओ फूड तो बन जाएगा

वाटर का लॉस कम करेंगे और अधिक फूड को बना पाएंगे तो दे आर मोर इफिशियंट फोटो अब ऐसा क्यों होता है इसका आंसर ढूंढेंगे हम फोटो में ठीक है सीफोर प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशियंट एज सी थ्री प्लांट इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग सीओ टू मैकिंग शुगर के। मतलब सीफोर प्लांट जो होते हैं प्लांट की तुलना में दुगने इफेक्टिव होते हैं प्लांट फॉर दू टूफिट के आप अच्छी बात करके जो सीफोर प्लांट है और सीथरी प्लांट के ये डबल डबल फूड को प्रोड्यूस कर रहा है यह ठीक है डबल अमाउंट ऑफ फूड को प्रोड्यूस कर रहा है ये और हाफ ऑफ दी वाटर कंज्यूम कर रहा है मतलब ये हो गया कि जितना वॉटर सीथरी प्लांट ने खर्च किया उसकी तुलना में सीफोर प्लांट आधा वाटर खर्च कर रहा है जितना प्लांट ने फूड को बनाया उससे दुगना फूड सीफोर प्लांट बना रहा है तो सीफोर प्लांट इज मोर इफिशियंट ठीक है और ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी में, में लिखे हुए हैं और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए और एक नहीं तीन बार पूछा गया बिटाइन इसलिए ध्यान रखिएगा भूलना नहीं हमको ठीक है बेटा क्लियर चलिए तो ये तो बात की हमने किसके बारे में प्लांट के वाटर के मूवमेंट के बारे में प्लांट में वाटर के मूवमेंट के बारे में क्या क्या देखा हमने हमने फिजिकल फोर्सेस को देखा हमने वाटर के एब्जॉर्प्शन को देखा हमने जो है वो किसको देखा एसेंट ऑफ सेप को देखा और हमने ट्रांसपीरेशन को देखा क्लियर अब आगे बात करते हैं हम कि मिनरल के जो मिनरल से पौधे मिनरल आयंस को कैसे लेते हैं क्योंकि देखो वाटर को कैसे लेते हैं हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी देखा वाटर का और पैसिव भी देखा हमने कहा फोर्स रूट के अंदर बनेगा तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक तरीकों से हो सकता है के. और हमने यह भी देखा कि पैसिव जो फोर्स पुल से बनेगा वाटर जाएगा। अब मिनरल्स कैसे प्लांट के ऊपर हैं इस पर हम बात करेंगे मिनरल होते हैं और ये मिनरल को प्लांट की रूट लेती है और ये, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की मेटाबोलि के लिए यदि मिनरल की कमी होगी ना तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट बात यह केवल कुछ मिनरल आयन ऐसे हैं जो पैसिवली प्लांट्स रूट सेल के अंदर आ सकते हैं कुछ ठीक है लेकिन मोस्ट ऑफ को एक्टिवली अंदर आना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ मिनरल आयन के रूप में फॉर्म होते हैं है। और हमको है, सकते हैं ऐसा हमने पढ़ा हुआ है साइटोलॉजी के अंदर सेल यूनिट ऑफ लाइफ में जब सेल में पढ़ रहे थे मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि लिपिड की बाइलर आयन को परमिट नहीं करती है प्रोटीन चैनल जो है वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं कुछ प्रोटीन चैनल पैसिवली मिनरल आयन अंदर आते हैं और कुछ प्रोटीन चैनल मिनरल आयन को एक्टिवली अंदर लेके आते हैं अब आप बोलोगे सर एक्टिवली अंदर लेके क्यों आते हैं एनर्जी क्यों खर्च करते हैं अरे भाई इसलिए एनर्जी खर्च करते हैं कि बाहर का सोइल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है कम मिनरल्स है उसमें इसका रूट हेयर सेल जो है वो हाइपरटोनिक है मोर मिनरल्स है इसमें तो कम मिनरल से अधिक मिनरल की ओर लेके आओगे तो एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी ठीक है देखिए आपको एक तस्वीर सब बता कि आपको मिनरल आयन को अंदर लाने आपको प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी लिपिड की बाइलर से मिनरल आयन अंदर नहीं आएंगे ठीक है चलिए बिल्कुल एनसीआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्लांट ऑप्टे कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देर ऑक्सीजन टू इन लिखिए पौधे को कार्बन हुआ, हुआ तो दिक्कत नहीं के। लेकिन उसको बाकी दूसरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको के। तो जो मैंने आपसे कहा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिनरल आयन हुआ वो सॉइल से लेने पड़ते हैं वॉटर भी सॉइल से आता है प्लांट के पास में ठीक है वॉटर जो है वो पैसिवली अंदर आ सकता है आराम आ सकता है के, वाटर के लिए वाटर पुर, लेकिन सभी मिनरल आयन पैसिवली रूट के अंदर नहीं आते हैं उसके पीछे दो कब दो बड़े कारण है और ये जो कारण है ना ये नीट का क्वेश्चन है बेटा ठीक है इंपॉर्टेंट आइए ऐसा क्यों क्योंकि इसके पीछे पहला कारण है मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल एच चार्ज पार्टिकल्स और के जो मिनरल आयोनल में होते हैं वे चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं आयंस के रूप में होते हैं और हमको मालूम है कि आयंस सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जगह पर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलर होती है और लिपिड बाइलर आयन को परमिट नहीं करती है बेटा के फिर दूसरा बात द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन दी सॉइल इज यूजली लोअर देन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट के अब रूट का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और जो सॉइल जो बाहर सॉइल वाटर है वो हाइपोटोनिक है अब ऑलरेडी सॉइल वाटर में मिनरल कम है और रूट हेयर सेल के पास मिनरल अधिक है लेकिन रूट हेयर सेल मिनरल्स को आगे भी भेज रही होती है कंज्यूम भी कर रही होती है उसको यूज कर रही होती है तो उसको और मिनरल चाहिए उसको तो मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से मिनरल को हाई की ओर लेके आना पड़ेगा तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आपको के. तो इसलिए पैसिवली ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है इसका मतलब देर फॉर मोस्ट मिनरल्स मस्ट इंटर द रूट बाय एक्टिव एलोशन मैंने क्या कहा आपसे मोस्ट नॉट ऑल नॉट ऑल कुछ कुछ पैसिवली भी आ सकते हैं ठीक है वो एक्टिव एलोशन अंदर आते हैं ठीक है ना क्लियर और इसमें एनर्जी खर्च होती है बेटा और एक्टिव अपटेपटिक जो है वो आ, एक्टिव अपटेक ऑफ आयन पार्सली बेटा सिंपल सी बात है कि आप को अंदर तो रूटिक्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर ऑस्मोसिस तो के कारण अंदर आएगा है ना याद है ना आपको ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो पीछे कारण क्या था एनर्जी खर्च करते हैं अंदर लाने में ठीक है जब मिनरल्स अंदर आएंगे ना तो रूट सेल के अंदर कहा ध्यान ध्यान दो क्या बोल रहा हूं जब मिनरल्स अंदर आएंगे ना तो रूट हेयर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बेटा तो वॉटर ऑस्मोटिकली अंदर एंटर करेगा ठीक है ना क्लियर कुछ है देखो देखा सम सम आयन कैन मूव एपिट्रोमल सेल पैसिवली कुछ आयन जो है वो रूट के एपेट्रोमल सेल से अंदर की ओर पैसिवली आ सकते हैं ठीक है The ions are from soil, both, both and दोनों तरीके सेल एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम दॉइल इन टू दाइटोप्लाज्मल सेल के तो जो रूट सेल में जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं बेटा वो एक्टिवली पंप करते हैं मिनरल आयन को सॉइल से रूट है उसके एपिटर्मल सेल के साइटोप्लाज्म जो साइटो रूट के एपिटर्मल सेल उसके उसकी में एक्टिवली पंप करते हैं वो एपिट्रम रूट की सेल इलोंगेशन है रूट है और क्या है सिंगल सेल इलोंगेशन ऑफ द रूट एपिटर्मल सेल ठीक है ना तो अंदर उसके आएगा व्हाट आएगा मिनरल एंड के कैसे आएगा बेटा वो एक, वो आएगा क्लियर प्रोटीन के थ्रू आएगा ठीक है पंप के थ्रू आएगा like all cells the endodermal cell have many transport protein embedded in the their plasma membrane they let they let some solute across the membrane but not others ke okay, ab dekho ek bar root hair cell mein mineral ion aa gaya usne usko aage transport kiya cortical cells mein aur finally inner cortical cell endodermis तक mineral ion पहुंच चुके होते हैं अब endodermis decide करती है देखिए कितना अच्छा mechanism है endodermis के पास है लिविंग सेल्स जो वाटर को बाहर रोक देती है याद है आपको स्टिप होती है पैस सेल से वाटर अंदर एंटर करता है एंडोडर्मिस की सेल डिसाइड करती है कि किस मिनरल को अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना तो एंडोडर्मिस की सेल में जो रिसेप्टर्स या प्रोटीन होंगे ना वो उन्हीं मिनरल्स के लिए होंगे जिनकी प्लांट को आवश्यकता होती है और जिनकी आवश्यकता नहीं है वो बाही के वहीं रह जाएंगे वो वो कुछ केवल इतना काम करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर रूट का रूट का बढ़ाए रखेंगे जिससे वाटर अंदर आता रहे ऑस्मोटिकली ठीक है अदरवाइज जो मिनरल आयन की आवश्यकता होगी उनको एंड्रोडमिक सेल जाइलम में डाल देगी ठीक है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ द एंडोडर्मल सेल एंडोडर्मल सेल क्या होती है इनर कॉर्टिकल सेल 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 कॉर्टेक्स से सबसे अंदर वाली को हम एंडोडर्मल बोलते हैं और इस लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं इसमें कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं एंड जितने मिनरल अंदर आते हैं उसमें से किसको अंदर भेजना है किसको जाइलम के अंदर डालना है किसको बाहर रोक देना है ये डिसाइड करेगा कौन एंडोडर्मल सेल जो है उसके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको डिसाइड करेंगे तके? और दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के याद रखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम का अभी तक पूछा नहीं गया है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट करते हैं कि कौन सा सॉलिड तक पहुंचना चाहिए किस क्वांटिटी में उसको डालना है अंदर ठीक है ना नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ द एबिलिटी

ठीक है दर आर लॉट्स ऑफ पाथवे कई सारे होते हैं लेकिन वो सब सिलेबस में नहीं है

ये मैं आपको जो लगेगा ना वो दूंगा आपको चिंता मत करो मेरे ऊपर भरोसा रखो आप ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं हम कि मिनरल आयन का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ठीक है आफ्टर द आयन हैव रीच्ड द जाइलम थ्रू द एक्टिव और पैसिव अब जैसे भी जैसे भी मिनरल आयन अंदर आया जाइलम तक पहुंच गया चाहे एक्टिवली पहुंचाओ चाहे पैसिवली पहुंचाओ ठीक है और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू

जो यूज करने वाला यूटिलिटी पॉइंट है बेटा वो सिंक होता है और जो क्रिएशन यहां पे क्रिएट होता है जो प्रोड्यूसर पॉइंट है वो सोर्स होता है ठीक है सोर्स इज रूट के तो चीफ सिंक जहां पर मोस्ट ऑफ द मिनरल आयन यूज होता है याद रखना बेटा इस वर्ड को चीफ सिंक का मतलब जहां पर मिनरल आयन यूज होते हैं ठीक है थीके? ये क्या है ये ग्रोइंग रीजन होते प्लांट पौधे के ग्रोइंग रीजन होते हैं एपिकल मेरिस्टेम और लिटल मेरिस्टेम ग्रोइंग रीजन होते हैं यंग लीव्स डेवलपिंग फ्लावर्स फ्रूट्स सीड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन के एंड जो भी मिनरल आइन अंदर ले आते हैं वो फाइनली कहां पर उनकी यूटिलिटी होती है कहां पर उनको यूज करते हैं वो एपिकल माइस्टेम में यूज करते हैं लेटर माइस्टेम में यूज करते हैं यंग लीव में यूज करते हैं डेवलपिंग फ्लावर में यूज करते हैं फ्रूट सीड और स्टोरेज ऑर्गेनमेंट का यूज किया था ठीक है क्लियर अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन ऑकर्स एट फाइन बिन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल के तो जब ये मिनरल आयन यहाँ तक पहुँचते हैं विद द वाटर तो इनको सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली इनको अंदर ले लेती है वो उनको एक्टिवली जिन सेल को यूज कर रहा होता है उनको वो एक्टिवली अंदर ले लेती हैं ठीक कुछ कई बार क्या होता है कुछ मिनरल आयन डिफ्यूजन के चलते यदि वो सेल के अंदर कम है तो वो डिफ्यूज होकर अंदर की ओर आ जाते हैं तो डिफ्यूजन भी इसमें रोल प्ले करता है ठीक है मिनल आय फ्रिक्वेंटली री अब देखो बड़ी मजे की बात है कि कि प्लांट जो होते हैं वो मिनरल आयन का बेहतर प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि, तो जो प्लांट जो क्योंकि देखो एनर्जी खर्च किया पैसा खर्च किया उसने जब एनर्जी खर्च किया है ना तो उसका वो बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करता है प्लांट के ओल्ड लीफ पुरानी पत्तियां जो खराब हो गई हैं गिरने वाली हैं उनसे मिनरल आयन को निकालकर नई लीफ को भेज देता है नाइट्रोजन उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ठीक है तो कई सारे मिनरल आयन ऐसे होते हैं जिनको आसानी से निकाल कर पुरानी लीफ से निकालो नई की ओर भेज दो ताकि बेस्टेज ना हो ठीक है तो मिनरल आय आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर ओल्डर पार्ट टू पार्ट के ओल्डर डाइंग लिप्स एक्सपोर्ट मच ऑफ दर कंटेंट टू यंगर लिप्स सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल पत्तियां गिरने के पहले डेस्ट प्लांट प्लांट में मिनरल्स को रिमूव करके पौधे के दूसरे हिस्सों में भेज देते हैं ठीक है ना याद रखिएगा जिन मिनरल को आसानी से मोबालाइज कर सकते हैं आसानी से इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेज सकते हैं वो मिनरल क्या है वो है फॉस्फोरस वेरी वेरी आई एम पी सल्फर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम याद रखिएगा फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम ये सबसे अधिक जो है इनकी डिमांड होती है सबसे अधिक पौधे की इनको रेडिली मोबिलाइज किया जाता है कुछ मिनरल आयन ऐसे होता है जैसे कैल्शियम ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं इसलिए इनको मोबिलाइज करना आसान नहीं होता है ठीक है तो कुछ मिनरल आयन जो होते हैं इनको मोबिलाइज करना मुश्किल होता है इसे कि कैल्शियम आयन ठीक है फिर जाइलम का एक्ट लिया मतलब उसका एक हिस्सा निकाल उसका तो हमारे? हमारे वाटर आया और मिनरल आयन आ गए मतलब इनऑर्गेनिक आ गए उसको ट्रांसपोर्ट किया लेकिन जब जो है का निकाल के उसका एनालिसिस किया गया तो यह मालूम चला कि उसमें कुछ केमिकल ऐसे भी है जो ऑर्गेनिक केमिकल है कुछ मिनरल आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ठीक है ना देखिए क्या लिखा है the analysis of xylem oxidate shows that do some of the nitrogen travel as inorganic ion kai nitrogen ka hissa inorganic ion ke roop mein travel karta hai ke much of it carried by the organic form as amino acid and related compound ke nitrogen ka ek bada hissa amino acid aur related compound ke roop mein bhi translocated kiya jata hai ke isi prakar jo phosphorus है sulfur है उसके भी organic compound के रूप में उस कुछ मात्रा में उसका translocation किया जाता है ठीक है फिर इसका मतलब यह हो गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आए कहां से एक्चुअली क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो भी आपस में कई बार मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तके? तो इसका मतलब ये हुआ साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले हम ये मानते थे पहले के जमाने में लोग मानते थे कि जाइलम मतलब केवल वाटर और मिनरल फ्लोएम मतलब केवल फूड मटेरियल ऑर्गेनिक कंपाउंड आप साइंटिस्ट मानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ कुछ मटेरियल को आपस में बदलते रहते हैं तके? तो क्या होता है लिखा है इन एडिशन स्मॉल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी स्मॉल एक्सचेंज होता है मटेरियल का बेटा हेन्स इट इज नॉट इसलिए हम हम साफ़ साफ़ नहीं बोल सकते कि केवल केवल को को करता करता है और को करता है और जैसे पहले मानते थे अब हमको मालूम चल चुका है कि इतना कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी उसमें जो है वो आपस में कई बार क्रॉस कनेक्शन होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मेटल को थोड़ा थोड़ा मेटल को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है चलिए यहां पर हमारा

लिए हमेशा याद रखिए बेटा कि ये साइंस है साइंस को समझने की कोशिश कीजिए रटने की कोशिश मत कीजिए ऑल बेस्ट हाय दू बम बायोमेट्रिक्स ज्वाइन अस डब्ल्यू 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 डॉट बायोमेट्रिक्स डॉट ऑनलाइन हियर यू कैन सॉल्व डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट यू कैन डैम परफॉर्मेंस एनहैंसमेंट शीट्स You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.